Probably the most common of the hitches in use at sea is the bowline. It is by far the best way to making a temporary eye in the end of a rope. Whether it is point line or mooring rope size, it will not slip even when wet, it will not jam, and it will come adrift easily when no longer required. It is commonly used to secure a having line to the eye of a mooring rope when running a line ashore. Bowline. ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉट है जो कि समुद्री तट पे ज़रूरी होती है. इसमें क्या होता है कि आपको जो ये एक आई के सेप में, टेम्पररी आई के सेप में हम इसको बना सकते हैं, और किनारे में जब हम लोग मूरिंग करते हैं उस टाइम पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉट है जो कि हमारे काम आती है. सो ये कैसे बनता है वो हम आपको अभी करके दिखाएंगे. इसको हम क्या करते हैं, ये एक के ऊपर एक रस्सी को यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर ये जो होल है इसे हम इसको यहाँ पे अंदर डालेंगे. तो यहाँ से अंदर डालने के बाद बस इसको ये जो रोप है उसके इधर से निकालेंगे, और इसमें मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, रस्सी को यहाँ से ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, फिर इसको हम इसके अंदर डालेंगे, एंड ये वाली जो पार्ट है उसे ऐसे हम बाहर निकाल के फिर इसको ये वाली जो होल है वहीं से हम बाहर निकालेंगे, और ये दोनों पार्ट को हम ऐसे होल्ड कर लेंगे, एंड इस पार्ट को हम ऐसे घींच देंगे. ये घींचने के बाद ये एक आई के शेप में, ये एक आग के शेप में बन के तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बोलाइन. ये मूरिंग के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हमेशा काम आती है. हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए बनाया है. पहले आप ये सीख लो, उसी के बाद सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और बेल घंटा बजाना ना भूलें.